नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। बुखार से अब तक हो चुकी है 28 मौत। स्वास्थ्य विभाग दिखा रहा है लापरवाही। सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोदला मऊ में संक्रमक रोग वायरल बुखार थमने के बजाय अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं रोगियों के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे अब तक 28 संक्रमित रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीमारी ने ग्रामीणों को मानसिक विक्षिप्त कर रखा है। मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भारी कार्यशैली उजागर करती है। सीतापुर से सिमरेश पांडे की रिपोर्ट। हो गए 2 महीना हो रही है, कोई नहीं। ये दवाई पैरासिटामोल डिपिनाल बांटी जाती है गाँव में। सब ट्राइन 3 दिन से डॉक्टर आ ना रहे हैं। पूरा गांव बीमार है। आज 7 लोगों ने हो चुकी है गांव में मेरे। ये दवाई खा के मेरे पिताजी खराब हो गए। उपाय कोई नहीं किया। अब 2 बार जांच हो चुकी है खून की है। अकोबर रिपोर्ट नहीं मिली है। आती है लेकिन आने से क्या फायदा? आने से कोई फायदा नहीं। यही दवाई बांटी जाती है मेरे गांव में। आपका नाम? सतीश कुमार भारती है। सीतापुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर एक लगा सवालिया निशान। 3 महीने पहले चोरी का नहीं कर पाई पुलिस खुलासा। आरोपी के द्वारा ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की सामान का भी किया गया बरामद। वहीं पुलिस पर चोरों से 2.5 लाख रुपए लेकर छोड़ने का आरोप। आपको बताते चले ताजा मामला। पूरा मामला यूपी के सीतापुर थाना सदरपुर के क्षेत्र गोडेचा का है, जहाँ 3 महीने पहले चौराहे पर स्थित दिलीप कुमार के घर से करीब 6 से 7 लाख की चोरी हुई थी। वहीं परिजनों द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। वहीं पीड़ितों की माने तो 5 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वह चोरी का सामान भी बरामद कर लिया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी चोरों से 2.5 लाख रुपए लेकर समझौता कर लिया। आरोपी चोरों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, जानकारी होने के बाद जिन लोगों को नामजद करवाना चाहते थे पुलिस उन्हें सलीब चोर बता रही है। और हमारा सामान भी बरामद हो गया था, मगर हम लोग गए थाने तो वहाँ हमारा सामान नहीं दिखाया गया। दूसरा सामान दिखा के पूछा गया कि तुम्हारा सामान है, हमारा नहीं है सर। तो मैं फिर जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के यहाँ 4 बार न्याय की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही चोरी का सामान बरामद किया गया। ऐसे में योगी की पुलिस पर एक बार फिर सवाल निशान के घेरे में है। सीतापुर से सुरेश पांडे की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक क्यों आ गए? 4 बार जा रही है वहाँ से आश्वासन मिलता है सर, कोई कार्रवाई नहीं। जी, आज के 3 महीने पहले चोरी हो गई थी हमारे यहाँ, तो इसकी FIR हम थाना सदरपुर में अज्ञात लोगों के नाम दर्ज कराए थे। उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर चोरों को पकड़ भी लिया गया था। उसके बाद उनको मतलब सामान भी वो लोग निकाल दिए मिल गया, और उसके बाद में नामजद उनको नहीं कर रहे हैं और उनको बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। पैसे ले देख के कितना पैसा लिया? अभी 2.5 लाख रुपये के लगभग मिले हैं। 6 से 7 लाख के बीच में। अच्छा, क्या पुलिस अधीक्षक के पास आते हैं? हम 4 बार सीतापुर पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन मिल रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ के CEO ऑफिस के पास भी मतलब कंप्लेंट की है, लेकिन वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये चोर जो हैं बहुत सीरियस आते हैं, ये चोरी नहीं की है तुम्हारे यहाँ, और किसी और को बताओ उनको हम पकड़ के उनसे कम लाएंगे। बाकी कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए और हमारा सामान मिले। आपका नाम? दिलीप कुमार। भैंस चराने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबकर हुई दर्दनाक मौत। भैंस चराने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत। तालाब के गहरे पानी में घुसी थी भैंस, जिसे निकालने के चक्कर में तालाब में उतरी थी बच्ची। बच्ची को डूबता देख तालाब में बचाने के लिए उतरा लड़का एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों की डूबने से हुई मौत। पूरा मामला यूपी के सीतापुर थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम केशवापुर मजरा टिकटा के 2 मासूम की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे भैंस चराने गए थे। भैंस गहरे पानी में तालाब में उतर गई। भैंस निकालने के लिए उतरी लड़की में घुसी और डूबने लगी। लड़की को डूबता देख लड़का उसे बचाने के लिए तालाब में उतरा। वहीं एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये तालाब गांव के दक्षिण भट्टे के पास है, जहां दोनों बलराम व सीता भैंस
चराने गए थे। ग्रामीणों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। सीतापुर से सिमरेश की खास रिपोर्ट। ये हादसा कैसे हुआ है? आपका जो बच्चा डूबा है तालाब में, तालाब में जैसे शाम हो लग रहा है, तो शाम हो लग तो एक लड़की मतलब अपनी भैंसी निकाले लग, जब भैंसी निकाले लग नहीं निकलता है तब तो आगे बढ़कर हाकर लग, तो वह ज्यादा गहरे पानी में गए। जब गहरे पानी में गए तो हमारा लड़का गए कभी ली, जब उचावे लाग तो वहाँ मतलब उचावट में आया तो हाथ लग गई, तो उन्हों मतलब लगती रुकता में यहाँ ना उनका ऊँचाई पैर उचावट में लड़का मार दूर। दिन भर की ताजा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड न्यूज 24।